Today we're going to read a book called The Empress and the Silkworm by Lily Toy Hong. or name is Ek Resham Kakira. nearly 5000 years ago huang, huang ti known as the yellow emperor ruled the ancient land of china he and his young wife si ling chi lived, lived in an enormous palace with a golden roof its pillars were carved with the image of the mighty dragon Symbol of the emperor's strength. Around the palace were gardens and a vast grove of mulberry trees. Five thousand years ago, Huang Ti, जिसको पीला बादशाह भी कहते China um, China पे China का हुक्मरान वो और उसकी बीवी मलका सिंह मलका सी लिंग ची एक बहुत ही बड़े महल में रहते थे जिसकी छत सुनहरे रंग की थी और उसके पिलर्स जो थे उन उनके ऊपर ड्रैगन्स की तस्वीरें बनी हुई थी और जो के बादशाह सलामत की ताकत और क़वत Um, की पहचान थे और उस महल के इर्द गिर्द बहुत सारे बाघ थे और उन में एक बाग शहतूत के दरख्त का भी था शहतूत के दरख्तों का बाघ भी वहाँ पर एक था द एम्प्रेस लव्ड टू स्टो द एम्प्रेस लव्ड टू स्ट्रोल थ्रू द गार्डन्स ईच मॉर्निंग फ्राम टाइम टू टाइम She caught a glimpse of the phoenix resting upon the palace roof. Everyone knew that to see this bird was a blessing, a sign of good fortune. On one such lucky morning, Si Ling Chi was enjoying the shade of the mulberry trees when her maidservant arrived, carrying a tray of delicious mooncakes and hot tea. Tea time. शी सेंग एशी फ्लेस द ट्रे ऑफ एशी फ्लेस द ट्रे एट सीलेंग शीज फीट मलका अपने बाग में सैर करने की बहुत शौकीन थी और uh, वो हर रोज़ सुबह के टाइम अपने बाग में अपने बागों में जाती थी और कभी कभार छत के ऊपर उसको एक फिक्स जो एक चिड़िया का नाम है वो उसे नज़र आती थी आ, वो महल के छत पर बैठी होती थी वो फिनिक्स चिड़िया सबको सबको मालूम था कि अगर कोई इस हसीन चिड़िया को देखता है तो इसका मतलब है कि उसकी आ, उस उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है उसकी किस्मत जागने वाली है वो एक गुड लक का साइन है ऐसी ही एक सुबह ऐसी ही एक सुबह थी जब आ, सीलिंग ची मलका ने अपने छत पे उस फिनिक्स चिड़िया को देखा और वो मलका अपने शहतूत के दरख्तों के, के की छाँव में बैठी हुई थी और तो उस वक्त उसकी एक नौकरानी उसके पास आई जिसने एक ट्रे में चाय और बहुत सारे केक्स और बिस्किट उठाए हुए थे और उस नौकरानी ने कहा कि Aye malka, malka saiba. Chai ka time ho gaya. Oh, they smell so sweet, said the empress. I can't wait to taste one. She picked up a cake, but as she reached for her teacup, plop, something splashed right into it. "Aya!" screamed the maidservant, wrinkling her nose in disgust. What is it? asked Si Ling Chi. I don't know, said the maidservant, shuddering. I will bring you a fresh cup. No wait, the Empress said. She leaned forward to examine the tea. Her eyes grew large with excitement as she saw what was floating on top. It was small and round and white. It was a cocoon. She had seen the tiny worms in the mulberry trees. स्पिन दीज थे तो जब वो नौकरानी आ, एक ट्रे में आ, केक और बिस्किट और चाय लेके आती है तो मलका बहुत खुश होती है और कहती है कि ये आ, कितनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही है कितनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है आ, इन केक्स की आ, मेरा दिल करता है कि मैं फ़ौरन एक केक खाऊं तो लेकिन उसने एक केक उठाया और जब उसने आ, अपनी चाय के कप को पकड़ा चाय की चाय पीने के लिए कप को उठा उठाने लगी तो उसके चाय के कप में कोई चीज़ गिरी और आ, एक आ, और, और चाय इधर उधर जा के गिर गई उसके चींटे पड़ गए ट्रे में और ज़मीन पे और कुकीज़ में तो मलका ने कहा ये क्या है क्या गिरा है मेरी चाय में तो वो नौकरानी कहती हैं कि मुझे पता नहीं कि क्या गिरा है लेकिन मैं आपके लिए एक ताज़ा चाय का कप लेके आती हूँ तो मलका ने कहा नहीं ठहरो आखिर है क्या ये चाय में क्या गिरा है गोल गोल तो देखा तो पता चला कि एक सफ़ेद रंग का एक गेंद सा है जो कि एक ककून है और मलका ने ये ककून देखा था जो रेशम का कीड़ा बनाता है और वो शहतूत के दरख्त में रहता है और वो रेशम का कीड़ा जो है वो अपने इर्द गिर्द एक, एक जाल बुनता है और एक आ, एक तरह की एक एक कंबल सा अपने इर्द गिर्द ओढ़ लेता है और आ, आ, उसको ककून कहते हैं तो ये कोई ककून है जो शहतूत के दरख्त से नीचे गिरा है और वो मलका के चाय के कप में आके गिर गया है इन द द ककून वॉज बिगिनिंग टू अनवाइंड शी लुक्ट She, she took it out and pulled the loose end gently. The cocoon, the cocoon seemed to be made of a fine, shiny thread. Please, Your Highness, the maidservant begged, leave that wormy thing alone. The Empress did not reply but began to uncoil the strand. Look, she said, this thread is so light it's almost invisible. It is like a thread fallen from heaven. Come help me unravel it. from morning to evening, the two unwound the cocoon. They were careful not to break the thread or make a hopeless tangle. At last, they reached the end. तो जो गरम गरम चाय थी उसमें जब ककून गिरता है तो वो खुलना शुरू हो जाता है तो वो मलका कहती है कि इसको खोलना चाहिए तो उसने ककून को पकड़ा और उस उसमें वो एक uh, धागा जो था ना वो वो आपस में लिपटा हुआ था तो उसने कहा कि ये देखो ये ककून तो एक आ, एक धागे से बना हुआ है इस धागे को आ, मैं देखती हूँ तो उसने मलका ने उस धागे को निकालना शुरू कर दिया अलग अलग करना शुरू किया तो नौकरानी ने कहा कि मलका साहिबा ये आप आ क्या कर रही हैं इस आ, ये ये कीड़े का एक जाल है इसको छोड़ दें तो आ, मलका ने कहा नहीं ये ये तो देखो कितना प्यारा धागा है और कितना पतला है ये इतना पतला कि तकरीबन नज़र ही नहीं आ रहा लगता है कि ये ये आसमान से कहीं से आया है ये धागा इतना प्यारा है आओ वो अपनी नौकरानी से कहती है, आओ मेरी जरा मदद करो इस धागे को खोलते हैं इसको लंबा करते हैं देखते हैं कितना लंबा धागा है इस ये जो नलकी सी बनी हुई है इसको खोलते हैं जैसे एक धागे की नलकी को खोलते हैं आ, उसको धागे को उससे उतारते हैं तो सुबह से ले शाम तक वो दोनों लगी रहीं और उस ककून में से वो धागा उतार के अलग अलग करती रहीं और वो लेकिन उन्होंने ये आ, कोशिश की कि धागा टूटे नहीं और उसमें कोई गुंजल ना पड़ जाए और वो सारा दिन और सारी रात निकल गई और फिर इतनी देर के बाद जा के इतने घंटों के बाद जा के उनको उस धागे का आखिरी सिरा मिला सीलिंग शी हेल्ड द सिल्वरी थ्रेड अप इन द मून लाइट सी हाउ इट ग्लिसन्स शी एक्सक्लाइम्ड But it's so delicate if we had made if we had more strands, we could twist them together to make one thick thread. Go bring other servants to help us. so through the night, sealing Chi and the servants worked, plucking cocoons from the mulberry trees, soaking them in hot tea, and unwinding them. Then they joined all the strands into a single fiber so. मलका सीलिंग शी ने बोला कि ये देखो ये कितना प्यारा धागा है ये लगता है कि जैसे चांदी का बना हुआ है और इसको अगर चांद की रोशनी में देखें तो कितना कितना चमक रहा है और बहुत नाज़ुक भी है ये बहुत ज़्यादा पतला है और इसलिए वो बहुत नाजुक है काश के हमारे पास और भी ऐसे धागे होते और उनको मिला के हम एक मोटा सा धागा बना लेते तो वो मलका अपने आ, नौकरों से कहती है कि जाओ दूसरे नौकरों को भी बुलाओ ताकि वो भी आके हमारी मदद करें और वो नौकर फिर गए और उन्होंने शैतूत के दरख्तों से जाके के को उतारा और उन उन उनकूंस को फिर उन्होंने गर्मा गर्म चाय में डबोया और ताकि वो आसानी से खुल सकें और फिर उन्होंने उन सारे ककूंस में से धागे निकाले उन धागों को मिला के फिर उन्होंने एक कपड़ा बुन लिया द मून हंग लो इन द स्काई वन सीलिंग शी एग्जॉस्टेड ले डाउन टू रेस्ट वाइल शी शी हैड अ वंडरफुल ड्रीम शी सॉ The fiery dragon and the proud phoenix rising like the sun. She saw her husband standing among the clouds. He was dressed in a shimmering yellow robe that flowed like the rivers of heaven. The cloth was so beautiful that she knew it could only have been woven from the shining thread of the mulberry cocoons. When she woke, वन शू वन शू वो शीन यू एक्जैक्टली वट शी वॉज गोइंग टू डू चाँद जो था आसमान से आसमान में थोड़ा नीचे आया हुआ था और मलका सीलिंग ची इतना काम करके इतनी थक थक हार के वो लेट गई और सो गई जब वो सो रही थी तो उसको बहुत एक बहुत प्यारा खाब आया उसने ख्वाब में देखा कि जो ड्रैगन है आ, और जो फिनिक्स चिड़िया है वो सूरज की तरह ऊपर चढ़ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं उसने ये भी देखा ख्वाब में ख्वाब में उसने ये भी देखा कि उसका जो शोहर है जो बादशाह है वो आसमान में बादलों में खड़ा हुआ है और उसने उस बादशाह ने एक बहुत ही ख़ूबसूरत बहुत ही ख़ूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं जो कि पीले रंग के हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान के दरिया उसके कपड़ों में बह रहे हैं बहुत ही ख़ूबसूरत दरिया और आ, बहुत ही ख़ूबसूरत रंग और डिज़ाइन बादशाह के कपड़ों में नज़र आ रहे थे तो मलका ख़्वाब में देखती है कि बादशाह के कपड़े इतने ख़ूबसूरत थे कि कि वो वो कपड़े जो थे वो सिर्फ़ रेशम रेशम के कपड़े से बने होंगे तो मलका ने सोचा कि ये कपड़े इतने ख़ूबसूरत हैं ये ज़रूर Uh, रेशम का कपड़ा होगा जो बादशाह ने पहना हुआ है तो जब ये वो ख्वाब देखती है और जब वो सुबह उठती है तो उसको पता था कि उसने क्या करना है उसको एक आइडिया आता है ख़्वाब ख़्वाब जो है उसको एक अच्छा सा आम, उसको आइडिया देता है एट नून शिवज़ At, at noon time, there was a, there was great excitement at the palace. The ladies of the court had formed a procession a mile long, each gently held part of the miraculous thread. It took a thousand women just to keep it from touching the ground. A gong was struck. One by one, the ladies of the court entered the room where the emperor sat, surrounded by his advisers. The women paraded the emperor. प्रेरिट दी एम प्रसिस्ट ट्रेजर बिफोर द थ्रोन तो जब आ, अगले दिन दोपहर होती है तो महल में बहुत गह, गहमा गहमी थी और जो आ, बहुत सारी ख़वान् थी वो उन्होंने रेशम के धागे को अपने हाथों में लिया हुआ था और वो धागा इतना लंबा था कि वो पूरा एक मील लंबा हो गया था और आ, हर खातून ने उसको बड़े नाजुक से अंदाज़ में पकड़ा हुआ था कि वो टूट ना जाए तो वो एक मील लंबे धागे को एक हज़ार ख़ात ने पकड़ा हुआ था उठाया हुआ था ताकि धागा जो है वो ज़मीन को ना लगे तो ये सब ख़ात एक लाइन में आ, वो धागे को लेके जा रही थी महल के अंदर ताकि ये खूबसूरत चीज़ जो मलका ने ढूंढी थी वो बादशाह सलामत को दिखाई जाए देन सीलिंग ची अप्रोच होल्डिंग अ ट्रे अपॉन वैरपिलर अः मलबेरी लीफ अ का खून And a cup of hot tea. What are these things? asked the emperor. And what are your servants carrying? I will show you, most, most honorable husband, she replied. As the emperor and his advisers watched, she dipped the cocoon into the hot tea. The advisors began to laugh. And this makes the tea taste better, your highness? observed the one with the round belly another joked perhaps it makes the caterpillar taste better slowly the empress began to draw the lustrous strand from the cocoon a hush fell over the court as the strand grew longer then Sealing chi told the story of her discovery. so mulka Sealing chi ati hai bache salamat ke or ek tray And ati he tray, strame ek caterpillar or the rishamka और एक पत्ता होता है शैतूत के दरख्त का और एक ककून होता है और एक चाय की चाय का प्याला होता है आम, तो बादशाह पूछता है कि ये क्या चीज़ें हैं और ये तुम्हारे नौकर ये ट्रे में क्या है और ये जो ये जो ख़ीन हैं इतनी सारी ख़वान एक लंबी लाइन में इन्होंने क्या हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये क्या ले क्या आ रही हैं तो मलका कहती है कि बादशाह सलामत मैं मैं आपको बताती हूँ ये क्या है ये एक बड़े राज की बात है तो बादशाह और उसके जो आ, वजीर थे और बाक़ी लोग जो उसके साथ थे वो सब देखते देखते हैं कि मलका आखिर क्या कर रही है और वो जो बादशाह के जो दोस्त थे आ, जो वज़ीर थे वो हंसना शुरू हो गए उन्होंने समझा कि शायद ये कोई मजाक हो रहा है तो उनमें से एक जो जो मोटा था उसने एक आ, मजाक करना शुरू कर दिया उसने जब देखा कि मलका ने ककून को आ, चाय के प्याले में डबो दिया है तो वो मोटा जो था वो आ, मजाक से मलका को कहता है कि आप क्या कर रही हैं ये क्या ये ककून डालने से चाय ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है तो एक और वज़ीर जो होता है वो भी मज़ाक करता है कहता है कि शायद इस तरह जो रेशम का कीड़ा है वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है लेकिन आ, मलका ने उनकी तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया और उसने आ, उस ककून को पकड़ के वहाँ से धागे को खोलना शुरू कर दिया और जब लोगों ने देखा कि वो इतना ख़ूबसूरत धागा आ, जो है वो ककून से निकल रहा है तो सारे लोग जो महल में थे बिल्कुल ख़ामोश हो गए और गौर से देखने लगे कि ये क्या हो रहा है और ये मलका के हाथ में कितना ख़ूबसूरत धागा है और फिर मलका जो है उन सबको वो Us ki ke ki hai. an advisor with a long beard inspected the tiny worm who could imagine he said that something so great could come from something so small Ah look how the thread shimmers in the light exclaimed another it is as it is as fine as smoke yet strong as bronze cried a third. then the round-bellied one said yes this is truly wonderful but why should we concern ourselves with it why should we concern ourselves with it <laughs> तो जब वो मलका ने रेशम का धागा बादशाह सलामत को दिखाया तो उसके जो वजीर थे वो हैरान परेशान हो गए और उनमें से एक वजीर ने कहा कि एक दाढ़ी वाला था वजीर जो करीब आया और उसने उस रेशम के कीड़े को देखा और बोला कि कोई तसवर भी नहीं कर सकता था कि ये एक छोटी सी चीज़ में से इतनी ख़ूबसूरत चीज़ पैदा होती है एक छोटे से कीड़े में से इतनी इतनी ख़ूबसूरत चीज़ पैदा होती है और एक दूसरा वजीर होता है वो कहता है कि ये देखो ये धागा रोशनी में कित, कि, कैसे चमक रहा है कितना ख़ूबसूरत लग रहा है पर एक तीसरा वजीर कहता है कि ये धागा इतना पतला है कि लगता है कि जैसे धुआँ है लेकिन इतना इतना आ, इतना ताक़तवर है कि लगता है कि जैसे ये आ, ये ब्रॉन्ज़ का बना हुआ है ब्रॉन्ज इज़ नॉट ब्रास पीतल नहीं जैसी ऐसी कोई चीज़ मेटल की मेटल का बना हुआ है और फिर वो जो मोटा वजीर था वो कहता है कि हाँ ये वाकई बहुत खूबसूरत चीज़ है लेकिन हमें इसकी क्यों परवाह करनी चाहिए हमें इससे क्या लेना देना द एम्प्रस टोल हर ड्रीम हाउ शी हैड सीन येलो एम्प्रर क्लोड इन अ रोब वोवन फ्राम हेवनली थ्रेड For a moment, there was silence. Then Huang Ti smiled at his wife and said, "What a splendid idea We shall weave a cloth more beautiful than the world has ever seen, because of this treasure, our kingdom shall be as heaven on earth. I command that none outside this land be told the secret of this noble worm and its precious gift so." मलका जब अपने जब मलका अपना ख्वाब जो है वो बादशाह को बताती है तो जब उसने बादशाह को अपना ख्वाब बताया कि इस तरह मैंने देखा था कि बादशाह सलामत ने एक बहुत खूबसूरत पीले रंग आ, के कपड़े पहने हुए हैं और जो कि इस रेशमी धागे से बने हुए हैं तो वो मैंने ख्वाब में देखा है आपको तो बादशाह बहुत खुश होता है थोड़ी देर के लिए चुप चुप करता है कुछ बोलता नहीं है लेकिन वो खुश होता है और फिर आ, मुस्कुरा के कहता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है हमें चाहिए कि इस धागे से एक कपड़ा बनाए और वो खूब वो सबसे ख़ूबसूरत तरीन कपड़ा होगा और वो हमारा आ, जो हमारे मुल्क का ये एक खज़ाना होगा एक असासा होगा लेकिन ये हमारे मुल्क का एक राज भी रहेगा हम किसी और मुल्क को इस राज के बारे में नहीं बताएंगे कि ये हम कपड़ा कैसे बनाते हैं हमें कहाँ से मिलता है और ये आ, हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये रेशम के कीड़े से ये धागा और ये रेशम का कपड़ा बनता है विद द राइजिंग सन sealing chi went to work overseeing the production of the cloth imperial gardeners planted more groves of mulberry trees young worms were placed on trays each day fresh leaves were picked and cut to feed them royal craftsmen made reels to unwind the cocoons and combine the strands they built looms to weave the thread into fabric to so, jab. सूरज चढ़ता चर, है तो मलका सीलिंग छी अपना काम शुरू कर देती है और सबको बताती है कि क्या क्या करना है और जो बागों के माली होते हैं वो शहतूत के दरख्तों की रखवाली करते हैं और वहाँ पे वहाँ से आ, ये रेशम की कीड़ों को लेके आते हैं फिर उनको ट्रेज में रखते हैं उन कीड़ों को और उनको फिर पत्ते देते हैं ताकि वो पत्ते खाएं और फिर जो है वो ककून बनाते हैं कीड़े ककून बनाते हैं और आ, दूसरे लोग जो होते हैं वो नलकियां बनाते हैं वो ताकि वो जो धागा है रेशम का धागा उस उन नलकियों पे लपेटा जाए और फिर कुछ और का, कारीगर होते हैं जो कि एक मशीन बनाते हैं जिस जिसमें धागों को इकट्ठा करके एक कपड़ा बनाया जा सके Many full फुल passed before बिफोर द यंग saw सॉ द फ्रूट्स her लेबर कई महीने गुजर गए और फिर आ, मैनी मैनी फुल मूंस फैस्ट बिफोर द यंग एम्प्रेस सॉ द फ्रूट्स ऑफर लेबर कई कई चौदह के चाँद गुजर गए और फिर मलका ने आखिरकार उसने आ, उसने देखा कि जो वो करना चाह रही थी वो तैयार हो गई है जो कपड़ा वो बनाना चाह रही थी At last, on the morning of the autumn moon festival, on the morning of the autumn moon festival, a crowd gathered in front of the palace. The great gongs sounded, and the red lacquer doors burst open. The people gasped as Huang Ti stepped out into the light, wrapped in a billowing robe of radiant yellow. ही शोन लाइक द सन इट वॉज़ जस्ट एज़ द एम्प्रेस है ड्रीम्ड आखिरकार एक दिन ऑटम um, मून फेस्टिवल जो था उस, उस दिन बहुत सारे लोग महल के बाहर इकट्ठे हो गए और ज़ोर से गोंग बजाया गया और जो लाल रंग के ख़ूबसूरत चमकदार दरवाज़े थे महल के उनको खोला गया और जब लोगों ने बादशाह सलामत आ, के कपड़े देखे तो वो दंग रह गए वो उन्होंने बहुत ही ख़ूबसूरत पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे जो इतना चमक रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बादशाह सलामत सूरज की तरह चमक रहे हैं और लगता था कि वो बिल्कुल जो मलका की ख्वाब थी बादशाह सलामत बिल्कुल वैसे ही um, आज नज़र आ रहे हैं जैसे मलका की के खाब में नज़र आए थे फ्राम दैट डे द फैब्रिक वॉज कॉल्ड सिल्क सोन सीलिंग ची वज नोन थ्रू आट द किंगडम एज द लेडी ऑफ द सिल्क वर्म द दरिजिन ऑफ द हेवनली क्लॉथ बिकेम वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट सीक्रेट्स ऑफ ऑल टाइम for almost 3000 years only the chinese knew about the little worm that fed on mulberry leaves and spun the beautiful magical threads of silk us din ke baad us kapde ka resham rakhtiya aur malka sealing chi ko lady of the silk resham ki मलका का ख़िताब दे दिया गया तीन हज़ार साल तक चाइनीज़ लोगों ने किसी को नहीं बताया कि रेशम का कपड़ा कैसे बनता है वो तीन हज़ार साल तक ये बात एक राज रही कि रेशम का कपड़ा जो है वो एक रेशम का कीड़ा है जो बनाता है और वो वो कीड़ा जो है वो Um, शहतूत के दरख्त के पत्ते खाता है और उनसे फिर वो ककून बनाता है जिससे फिर रेशम का धागा बनता है ख़त्म शुद्ध दस्तियान अकॉर्डिंग टू लेजेंड हु the Yellow रूल चाइना China द the year 2697 B.C. to 2597 B.C. टू so, about सो अबाउट 2700 years before Christ is when Huang Ti, the, the king, uh, lived in China. Legend credits his wife, Empress Si Lingqi, with the discovery of silk around the year 2640 BC. Some say she also invented the silk reel and the silk loom. Silk was a rare and precious product. The Chinese did all they could to keep its manufacture a secret. Anyone found carrying silkworm eggs or mulberry tree seeds out of China was punished by death. Westerners greatly desired the rich cloth, and trade was made along the Silk Road, a route from China to Damascus, which is now Syria. But the traders did not learn the secret either. For nearly 3,000 years, no one but the Chinese knew how silk was made. The silk reached Japan by 3 AD, long. Not long after a Chinese princess hid silkworm eggs in the lining of her hair in the lining of her head dress when she left her country to marry an Indian prince in 550 AD the Roman emperor Justinian sent two spies into China they returned with silkworm eggs and mulberry seeds in hollow bamboo canes after that the silk after that the secret of silk spread across the world the silkworm bombyx mori is cultivated to produce the finest whitest silk. first eggs are laid by the adult moth. they hatch into silkworms and begin to feed on fresh mulberry, tree, mulberry leaves. after several weeks the silkworm spins its cocoon. at this stage the biggest cocoons are saved for future egg production. the remaining ones are put into hot ovens or dry steamed to kill the silkworm. now called the pupa. Thus, it cannot mature into a moth and burst through the cocoon, damaging the silk. Then the cocoons are put into boiling water to soften the gum that binds the strands together. The strands become unstuck and can be gently pulled from the cocoon in a single long thread. Because the thread is so fine, 5 to 12 cocoons are unwound, unwound together on a reel to make one stronger thread. These threads are then twisted with others to create a thicker, stronger yarn. Finally, the silken yarns are woven into cloth. Dyeing can take place in the yarn or in the cloth. An average cocoon is one and a half inches long. Some bigger cocoons have been found to contain a thread one mile long. It takes two to three thousand cocoons to produce one pound of silk fiber.

वो चाइना में हुक्मरान थे और आ, और जो मलका है उसने रेशम के धागे को डिस्कवर किया और कुछ लोग कहते हैं कि उसने रेशम के धागे को लपेटने के लिए एक नलकी भी ईजाद की और Uh, फिर वो जो एक मशीन होती है इसको लूम कहते हैं जिससे धागे को कप धागे को इकट्ठा करके कपड़ा बनाया जाता है कि शायद उस वो भी उसने उसी ने ईजाद की थी तो <coughs> uh, फिर ये ये कपड़ा जो था रेशम का कपड़ा ये सिल्क रोड जो सिल्क रोड जो थी जो इवन पाकिस्तान तक जाती है और फिर चाइना से होती हुई दमिश्क तक जाती है सीरिया तक आ, उस उस रोड का नाम सिल्क रोड बन गया और सिल्क रोड क्योंकि वहाँ पे ये ये जो रेशम का कपड़ा जो था उसको भी उसकी भी तजारत की जाती थी आ, तो कई तीन हज़ार साल तक चाइना में ये राज रहा कि रेशम का कपड़ा कैसे बनता है फिर तकरीबन तीन साल ईसवी को आ, एक चाइना चा, की एक शहज़ादी थी उसकी शादी हुई एक जापानी एक उसकी शादी एक इंडियन शहजादे के साथ हुई और वो जो है वो कुछ रेशम के की कीड़े के अंडे अपने बालों में छुपा के लाई और फिर जो है साढ़े पाँच सौ साल साढ़े पाँच सौ साल के बाद पाँच सौ पचास सदी ईस्वी को रोम का जो बादशाह था जस्टिनियन उसने दो जासूस चाइना में भेजे और वो जो है वो आ, बांस आ, की आ, बांस के डंडों में वो छुपा के लाए शैतूत के दरख्त के आ, बीज और आ, रेशम के कीड़े के अंडे वो लेके आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रेशम जो है दूसरे मुल्कों में बनना शुरू हो गया सिल्क वर्म को बॉम्बिक स्मोरी कहते हैं और आ, उसके अंडे जो हैं वो एक परवाना होता है जो उसके परवाना होती है जो परवाना जो अंडे देती है और वो फिर जो हैं उन अंडों में से सिल्क वर्म्स निकलते हैं उनके फिर जो हैं आ, आ, वो वो फिर आ, वो ककून बनाते हैं और वो रेशम का रेशम का धागा बनाते हैं और वो उसको लपेटते हैं उससे एक ककून बनाते हैं और फिर उस ककुन से धागा लेके रेशम का कपड़ा बनाया जाता है आ, वो जो ककून होता है वो तकरीबन डेढ़ इंच लंबा होता है और पाँच से बारह ककून इकट्ठे जो हैं उनको आ, अलग अलग किया जाता है मतलब उनको उनमें से धागा निकाला जाता है क्योंकि वो बहुत पतला धागा होता है इसलिए पाँच ककून या बारह ककून के धागों को इकट्ठा मिला के एक मोटा सा धागा बनाया जाता है और फिर जो है उसके उन धागों से कपड़ा बनाया जाता है आ, बाद दफ़ा धागे को रंग कर दिया जाता है और बाद दफ़ा रंग बाद में कर दिया जाता है जब कपड़ा बन जाता है उसके बाद उसको रंग किया जाता है आ, जब लेकिन शुरू में जब वो ककून होता है तो ककून जो है उसको गर्म पानी में डाला जाता है उबलते हुए पानी में डाला जाता है ताकि वो नरम हो जाए क्योंकि उसमें एक गोंद सी होती है और वो गोंद जो है वो उसने धागे को आ, चिपका के रखा होता है आपस में तो शुरू में इस प्रोसेस के शुरू में जो ककून होता है उसको उबलते पानी में डाला जाता है ताकि वो नरम हो जाए और वो जो गोंद होती है वो थोड़ी अलग हो जाए ताकि धागा जो है वो गोंद से अलग आसानी से अलग हो जाए आपस में चिपके नहीं धागा एक एक ककून जो है वो तकरीबन डेढ़ इंच लंबा होता है और कुछ ककून जो थोड़े से बड़े होते हैं उनमें एक ककून में इतना धागा इतना लंबा धागा होता है कि जित एक मील लंबा धागा हो होता है एक ककून में हो सकता है इतना लंबा भी हो सकता है और एक पाउंड रेशम का कपड़ा बनाने के लिए दो से तीन हज़ार का चाहिए होते हैं और दस आ, रेशम के आ, रेशम की कमीज़ें बनाने के लिए आठ हज़ार रेशम के कीड़े जो हैं उनको साढ़े तीन सौ पाउंड साढ़े तीन सौ पाउंड जो हैं वो पत्ते शैतूत के पत्ते खाने खाने पड़ते हैं तो साढ़े तीन सौ पाउंड शैतूत के पत्ते खा के तकरीबन आठ हज़ार रेशम के कीड़े जो हैं वो इतना रेशम बना सकते हैं सिर्फ़ इतना रेशम बना सकते हैं जिनसे सिर्फ़ दस रेशम की कमीज़ें बन सकती हैं तो ये थी कहानी रेशम के बारे में रेशम के कपड़े और रेशम के कीड़े के बारे में द एम्प्रस एंड दिल्क वर्म बलेली टॉय हॉन्ग